नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश 2 बजे। आपके साथ मैं हूं ललिता सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो मिल रही है। आपको बताया कि वैष्णो देवी में बड़ा हादसा हो गया है। श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी से कटरा ला रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस हादसे में पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत हो गई है। श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी से कटरा लाने के दौरान हेलीकॉप्टर में अचानक खराबी आ गई और पायलट ने उस पर से नियंत्रण खो दिया। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में सभी 7 लोगों की मौत की खबर है। तो जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर, वैष्णो देवी में एक बड़ा हादसा हो गया है। हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। जानकारी मिल पा रही है कि पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत की खबर है। श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी से कटरा ला रहा था चौपर। आपको बताएं कि श्रद्धालुओं को कटरा लाने वाला हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया है। तो जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर है, वैष्णो देवी से बड़ा हादसा हुआ है। आपको बताएं कि हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई है, साथ ही साथ पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत की खबर है। जानकारी मिल पा रही है कि श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी से कटरा ला रहा था चौपर, उसी दरमियान ये हादसा हुआ है और हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू से आपको बता रहे हैं। वैष्णो देवी में बड़ा हादसा हो गया है। श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी से कटरा ला रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस हादसे में पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी से कटरा लाने के दौरान हेलीकॉप्टर में अचानक खराबी आ गई और पायलट ने उस पर से नियंत्रण खो दिया। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में सभी 7 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, वैष्णो देवी में बड़ा हादसा हुआ है। आपको बताएं कि श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी से कटरा ला रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस हादसे में पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी से कटरा लाने के दौरान हेलीकॉप्टर में अचानक खराबी आ गई और पायलट ने उस पर से नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में सभी 7 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। तो चौपर जो है वह श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी से कटरा ला रहा था और उसी दरमियान यह हादसा हुआ है। कटरा लाने वाला हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया है। तो जम्मू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर है, इसमें 7 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए, एक बड़ा हादसा हुआ है वैष्णो देवी में। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, JKB जो ये प्लेन है उसमें हादसा हुआ है। 7 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई है, पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। देखिए किस तरह से ये हादसा जो है वो हुआ है। जो हेलीकॉप्टर है कितनी क्षति हुई उसको, पूरी तरह से वो टूट चुका है और साथ ही साथ इस हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर है। पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत हो गई है। वैष्णो देवी से कटरा ला रहा था यह चौपर। रुक करते दूसरी खबर की ओर। दिल्ली के भलसवा डेयरी के झुग्गियों में लगी आग में मरने वाले परिजनों के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने 8 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही बेघर हुए परिवार के लिए 25,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। आपको बता दें कि भलसवा डेयरी के झुग्गियों में आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी बिहार के मधुबनी के रहने वाले थे। मरने वालों में पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल है। तो झुलसकर दंपति और 3 बच्चों की मौत हो गई है। दिल्ली से ये खबर है, भलसवा डेयरी की झुग्गियों में आग लगी है और उसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो है वो घोषणा किया है। इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता यशविका। यशविका, जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ पूरी अपडेट मिल पा रही है। जी ललिता, जिस तरह आप बता रहे थे, यहाँ पे भरसवा डेयरी में कल रात करीबन 2:30 बजे जो है ये हादसा हुआ, जब सभी लोग सो रहे थे कि 4 झुग्गियों में आग लग गई और एक ही परिवार जो उस झुग्गी में था लेकिन उनकी कोई आवाज नहीं आ रही थी तो उनको लगा कि वो अंदर नहीं है, लेकिन जब आग बुझाई गई तो 5 लोग एक ही परिवार के पति पत्नी और जो बता दें जो पत्नी है वो देख सकती थी,
और उनके तीन बच्चे जो थे वो उस आग में झुलस गए और उनकी मौत हो गई। उसके बाद आज जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ जायजा लेने के लिए आए, जो लोग बेघर हो गए हैं उनसे करी, उसके बाद उन्हें 25,000 रुपए मुआवजा, साथ ही रहने के लिए जगह, उन्हें उनके खाने पीने के लिए सब कुछ व्यवस्था की। साथ ही ये जो परिवार है जिसकी मौत हो गई है, 5 लोगों की, उनकी जो एक बेटी है, एक सेकेंड जरा तस्वीरें दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल वहां पर विजिट करने के लिए पहुंचे, उनकी तस्वीर दिखा देते हैं आपको। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, दिल्ली की, बिहार के मधुबनी के रहने वाले थे सभी, जिनकी मौत हुई है, और उसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल जो है वहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जायजा लेने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल भलसवा डेयरी के झुग्गियों में पहुंचे हैं, वहां पर वो मिल रहे हैं, लोगों से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। देखिए किस तरह से 8 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया है सीएम अरविंद केजरीवाल ने, साथ ही साथ बेघर हुए परिवार के लिए 25,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, तो वहां पर पहुंचे हैं। यशविका जानना चाहेंगे कि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि वहां पर पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल, उन्होंने मुआवजे का भी ऐलान किया, और क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? जी ललिता, आपको बता दूं कि उनके जो और जो चीजें, उनको बेसिक नीड है कि अब कोई रहने की जगह नहीं रही है उनके पास, ना ही कुछ खाने पीने के लिए, सब कुछ जो है इस आग में झुलस गया, सब कुछ जल गया, उनके छत नहीं है सर पे अभी कोई, ये जो है झुग्गी में रहते थे तो ज्यादा कुछ कामकाज भी नहीं था, जो भी कुछ पैसे कमाते थे वो भी इस आग में जल गए, कुछ भी नहीं बचा, और थोड़ी बहुत चोटें भी आई हैं, तो उन सबका जो व्यवस्था है वो यहाँ सीएम अरविंद केजरीवाल जो है उनके लिए करके गए हैं, ताकि कोई मुश्किल ना हो, और अभी जो मुश्किल का समय है उनके लिए वो निकल जाए, ये सब कुछ व्यवस्था की गई है। जो वहां और लोग रहते थे उन लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि जो हादसा हुआ है वो काफी दुख की बात है ये। जी बिल्कुल, ये दर्दनाक हादसा था कि इस तरह हो जाना, और एक बात आपको और भी बताना चाहूंगी कि जो परिवार जिनकी आग में जलने से मौत हो गई है, जो माँ थी वो जो सबसे छोटा बच्चा था उसको हाथ में लिए हुई बैठी हुई थी, और जब वो बॉडी निकाली गई तब भी वो ऐसे ही थी बॉडी, तो उसके बाद जो आसपास वाले हैं उनका ये कहना है कि इतनी रात का समय था, सब सो रहे थे, तो एकदम से पता नहीं चला कि हुआ क्या, चीखों की आवाज आई तो आग को बुझाने की कोशिश की गई, ये पहला ऐसा हादसा है जो यहाँ पर हुआ है, झुग्गी थी तो आग भी जल्दी पकड़ लेता है, और किस तरह ये हादसा हुआ ये अभी नहीं पता चल पा रहा है कि किस तरह झुग्गियों में आग। यशस्विका, एक और अहम सवाल जानना चाहेंगे कि जो परिवार वहां पर थे, जिनकी दंपति और 3 बच्चों की जो मौत हुई है, क्या उनके परिजन जो है बिहार से वहां पर पहुंचे हैं? वो जो यहाँ दिल्ली में रहते हैं उनके कुछ लोग हैं, परिवार के हैं जो आसपास रहते हैं, वो यहाँ पहुंच गए हैं, लेकिन ये जो परिवार जिसकी मौत हुई है, इनकी एक और बेटी है जो मधुबनी के सुगोना गांव जहाँ में ये रहते थे वहीं पर ही थी, तो यहाँ ना होने की वजह से वो बाल बाल बच गई, साथ ही दादा दादी जो है वो उनके साथ वहां पर रहती थी, वो लोग भी यहाँ दिल्ली आने के लिए निकल चुके हैं, कल तक पहुंचेंगे, लेकिन क्या बीत रही होगी उसका अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इन तमाम जानकारी के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए शिशिका आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। तो आपको बताएं कि सभी बिहार के मधुबनी के रहने वाले थे, भलसवा डेयरी की झुग्गियों में आग लगने से कुल 5 लोगों की मौत हो गई है, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। रुक करते दूसरी खबर की ओर। बिहार में किंग मेकर के तौर पर उभरे लालू प्रसाद यादव को गले लगने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इस पर सफाई दी है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में लालू से गले मिलने पर केजरीवाल ने सफाई दी है। केजरीवाल ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि वो खुद लालू के गले नहीं मिले, जबकि लालू ने खुद खींचकर उन्हें गले लगाया। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की प्रचंड जीत के बाद लालू एक बार फिर से चर्चा के केंद्र हैं। केजरीवाल ने लालू प्रसाद यादव के गले लगने वाले वाकये पर सफाई देते हुए कहा है कि वो नीतीश कुमार के समारोह में हिस्सा लेने गए थे और लालू ने उन्हें हाथ खींचकर ऊपर बुला लिया। उन्होंने कहा कि वो लालू के भ्रष्टाचार के विरोध में हमेशा से रह रहे हैं और वो वंशवाद की परंपरा के खिलाफ हैं। साथ ही साथ कहा है कि लालू ने उन्हें जबरन खींचकर गले लगा लिया। तो तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से लालू प्रसाद यादव और केजरीवाल ने हाथ मिलाया था, और उसके बाद अब सीएम अरविंद केजरीवाल ने
सफाई दी है इस पूरे मामले पर। देखिए किस तरह से मुस्कुरा रहे थे सीएम अरविंद केजरीवाल। और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना की, जब शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पहुंचे थे सीएम अरविंद केजरीवाल। बड़े ही गर्मजोशी के साथ दोनों ने हाथ मिलाया, एक दूसरे को गले भी लगाया। और उसके बाद अब जब सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली गए हैं, उसके बाद उनका ये पूरा बयान आ रहा है, उनका ये सफाई आई है उनकी ओर से। उन्होंने कहा है कि लालू या नीतीश से मेरा कोई गठबंधन नहीं है। साथ ही साथ स्टेज पर जो हाथ मिलाया है, ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इस बारे में उनका कहना है कि मैंने उनसे हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने मेरा हाथ खींच लिया और हाथ खींचने के बाद उन्होंने गले लगाया। बिहार के नए डिप्टी सीएम और पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर तेजस्वी ने कहा है कि लोगों ने मैंडेट काम करने के लिए दिया है, भोग लगाने के लिए नहीं, और उनकी सरकार काम करके जनता का भरोसा नहीं टूटने देगी। उन्होंने कहा कि बिहार का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है, साथ ही भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। तेजस्वी यादव से खास बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता अमित झा ने। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पदभार ग्रहण कर लिया है। सबसे पहले उन्होंने पथ निर्माण विभाग का पदभार ग्रहण किया और देखिए सीधे वो कामकाज उन्होंने देखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ वो बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, ये जानेंगे कि कौन से काम चल रहे हैं, किस काम में पैसे की कमी है। हमारा जो प्राथमिकता है वो बिहार का विकास का है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही जरूरी है। अभी ग्रेटर पटना है, उन चीजों पे भी क्या क्या प्रोजेक्ट्स आने नहीं आने, क्योंकि आप जान रहे हैं शहर किस हिसाब से फैल रहा है, जहां रोड नहीं है वहां को रोड पहुंचाना है। तो हम लोगों के पास टारगेट है और ये जो जनता ने हमें इतनी बड़ी मैंडेट दी है, ये भोग लगाने के लिए नहीं दी, हमें काम करने के लिए दी गई है, सेवा करने के लिए दी गई है। तो हम सभी लोगों को, पूरे बिहारवासियों को भरोसा दिलाते हैं कि ईमानदारी से, और ये तमाम अधिकारियों को भी हम निर्देश देने का काम करेंगे कि ईमानदारी से अपना काम कीजिए, भ्रष्टाचार हम टॉलरेट नहीं करने का काम करेंगे, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सीधे सीधे आते ही तेजस्वी यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार करेंगे उन पर तुरंत कार्रवाई होगी। सीधे सीधे ईमानदारी से काम करने का उन्होंने मैसेज दिया है और ये कहीं ना कहीं अच्छा संदेश है फिलहाल बिहार की जनता के लिए कि युवा नेता तेजस्वी यादव ने आते ही काम का संभाला है और भ्रष्टाचार बर्दाश्त न करने की बात कही है। कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ अमित झा, जी मीडिया पटना। तो ये लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, साथ ही साथ बिहार के डिप्टी सीएम की बातें सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार बिहार में बर्दाश्त नहीं है। वहीं बिहार के नए शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने अपना कामकाज संभाल लिया है। आज सुबह ही शिक्षा विभाग के ऑफिस पहुंचकर उन्होंने इसकी औपचारिकता पूरी की है। वहीं बिहार के उत्पाद मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो पदभार ग्रहण करने के बाद शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने की बात की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि शिक्षा पर खास जोर देगी सरकार। वहीं सरकार की नजर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर भी रहेगी। वहीं उत्पाद मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने भी साल 2016 तक बिहार में शराबबंदी के संकेत दिए हैं। नई सरकार आई है, हमारे मुख्यमंत्री का प्रायोरिटी है एजुकेशन। पिछले सरकार ने भी काफी काम किया है एजुकेशन पर और उस काम को और तेजी लाना है और उसको और पुख्ता करना है। मैं समझता हूं कि एक अच्छी टीम बना करके हम लोग एक अच्छा काम की शुरुआत करें। यूनियंस भी बहुत हैं, जिसका कि हमेशा यूनियन का एक डिमांड होता है, कुछ लोग मिले भी थे। हम समझते हैं कि अच्छा काम करने में हमको मदद मिलेगी। मैं एक बार पहले भी कहा कि ये सरकार जो है वो बनिए की दुकान नहीं है जो घाटा और नफा को जोड़े, और सरकार को जनहित के लिए करना चाहिए। बिहार की जनता के लिए अगर ये अच्छा है तो फिर रहे, अगर अच्छा नहीं है तो फिर इसके लिए जो मुख्यमंत्री सोचते हैं वैसा हमारा भी सोच है। हाँ, जनहित के लिए मैं सोचूंगा, तो अगर जनता के लिए यह नुकसानदेह है तो ऐसी चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। नहीं तो हम लोग जो अपने देहात में देखते हैं, जो गली गली में जो शराब की दुकानें हैं, इससे औरत बहुत प्रभावित है। उसका आंगन में रहना, घर में रहना उसके लिए मुश्किल हो जाती है। हम लोग जहाँ कहीं भी वोट के लिए गए और तो उसकी तरफ से यही आया कि आपको वोट तो दूंगा, लेकिन अगर सरकार में शामिल हो गए या फिर विधायक रहे तो शराब की जो बुराई है उस पर सोचना है।
और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं कि स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसके बाद जो खबर मिल रही है वो ये है कि तेज प्रताप ने कहा है कि पीएमसीएच के डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस और निजी नर्सिंग होम के रजिस्ट्रेशन की जांच होगी, मरीजों को फिर से मुफ्त मिलेगी दवा, डॉक्टर मरीज के बीच दोस्ती का संबंध हो। तो ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री का, मरीजों को फिर से मुफ्त दवा मिलने का वादा किया है उन्होंने। आपको बताएं कि मरीज का दोस्ताना रिश्ता हो, ऐसा कहना है स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का। पदभार ग्रहण किया है, पदभार ग्रहण करने के सबसे पहले उन्होंने कहा है कि पीएमसीएच के डॉक्टरों की, तो आपको बताएं कि दूसरी इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, बिहार के आईजीआईएमएस के डायरेक्टर को मंत्री ने लौटा दिया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने लौटाया है उनको वापस, और स्वास्थ्य मंत्री को बधाई देने के लिए पहुंचे थे आईजीआईएमएस के डायरेक्टर, मीटिंग के दौरान बधाई देने के लिए गए थे आईजीआईएमएस के डायरेक्टर, बधाई देने के लिए देर से पहुंचे थे। और जानकारी मिल रही है कि आईजीआईएमएस के डायरेक्टर 2 घंटे के इंतजार के बाद भी बधाई नहीं दे पाए। डायरेक्टर आईजीआईएमएस के डॉक्टर आर एन विश्वास गए थे बधाई देने के लिए। तो इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता आशुतोष चंद्र। आशुतोष, जानना चाहेंगे कि बधाई देने के लिए गए थे लेकिन बधाई दे नहीं पाए। देखिए, 1.5 घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार उनकी मुलाकात स्वास्थ्य मंत्री से हुई और उन्होंने बधाई दी, लेकिन जिस वक्त की खबर है उस वक्त गए थे यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के लिए आईजीएमएस के डायरेक्टर, और चूंकि मीटिंग के दौरान वो पहुंचे थे जिस कारण से उन्हें कहा गया था कि आप मीटिंग से बाहर रहें और जब समय आएगा, जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तब आपकी मुलाकात हो पाएगी, और 1.5 घंटे तक वो आईजीएमएस के डॉक्टर वहीं पर बैठे रहे। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि आईजीआईएमएस जैसा संस्थान जहां पर डायरेक्टर की लगातार मीटिंग थी, उन्होंने खुद भी कहा था कि लगातार उनकी मीटिंग है, वो सोचे थे कि तुरंत बुके देकर वो वापस लौट आएंगे, लेकिन 1.5 घंटे तक वो इंतजार करते रहे। हालांकि बाद में तेज प्रताप यादव ने उनसे मुलाकात की और डायरेक्टर ने भी उनसे बातचीत की, जो बातें कहनी थी वो बातचीत की, लेकिन आशुतोष में दिखे। आप जरा लाइन पे बने रहे, हम तस्वीरें दिखाते हैं कि इस पूरी खबर को जरा अपडेट कर देते हैं कि उनकी मुलाकात हो गई है और उन्होंने मिल लिया है स्वास्थ्य मंत्री से और बधाई भी दे दी है। आशुतोष, एक अहम सवाल और जानना चाहेंगे आपसे कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है पदभार ग्रहण करने के बाद दवाई अब मुफ्त मिलेगी, और साथ ही साथ मरीज और डॉक्टर की जो जो रिश्ते हैं वो दोस्ताना होने चाहिए, इस पर क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे मीटिंग के दौरान एक बात जो मेन मुख्य रूप से सामने आई थी वो ये थी कि मरीजों को दवा नहीं मिल रही है। ये आज का मामला नहीं था, लगभग साल भर से यही स्थिति थी, और चूंकि मामला पूरी तरीके से जांच के दौर में था, यही वजह थी कि विजिलेंस जांच के कारण दवा ठीक से नहीं खरीद हो पा रही थी। तो मंत्री ने कहा है कि अब दवा जल्द ही मरीजों को मुफ्त मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें सूचना मिली है कि पीएमसीएच के कई डॉक्टर जो है वो निजी नर्सिंग होम चलाते हैं, तो ये एक गलत प्रक्रिया है। और के अलावा जो निजी नर्सिंग होम की बात आ रही है, जो बिल्कुल आशुतोष कह सकते हैं कि पदभार ग्रहण करने के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री जो है वो एक्शन में आ गए हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका। रूस ने दावा किया है कि रूस में अलग अलग स्पेशल ऑपरेशन में आईएसआईएस समर्थित 21 आतंकियों को मार गिराया है। रूस ने कहा है कि आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मलेशिया दौरे का आखिरी दिन है। आज पीएम मोदी और मलेशिया के पीएम नजीब रजाक के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और मलेशिया के साझा बयान में कहा है कि दोनों देश आपसी संबंध मजबूत करने और पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी ने कहा कि आतंकवाद का धर्म से कोई लेना देना नहीं है और पूरी दुनिया को इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। साथ ही साथ पीएम ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर जोर दिया गया। वहीं मलेशिया के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को मैन ऑफ एक्शन कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के बीच हुए समझौते को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाना चाहते हैं। दोपहर बाद प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। द स्पिरिट ऑफ इंडिया
speaks in your deeds. You reflect India's diversity of languages, religions, and culture. And you stand together in a spirit of harmony, not just with another Malay Indians, but also with all Malay people. Terrorism is the biggest threat to the world today. It knows no boundary. It uses the name of religion to draw people to its cause. But it is false, and it kills people of the all faiths. We have to delink religion from terror. The only distinction is between those who believe in humanity and those who do not. I have said it before and I will say it here. The world must come together to combat the biggest challenge of our times. किसानों की मांगों को लेकर कर्नाटक और पंजाब के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आज उत्तर प्रदेश से पदयात्रा शुरू हो गई है। यूपी में गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान एक बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर राहुल ये पदयात्रा कर रहे हैं। 6 किलोमीटर की यह पदयात्रा सहारनपुर के औद्योगिक निगम के इंडस्ट्रियल एरिया से शुरू हुई। कांग्रेस उपाध्यक्ष की यह पदयात्रा यहाँ से भोजपुर तक से होते हुए हरडाखेड़ी पहुंचेगी। हरडाखेड़ी में राहुल गांधी किसानों से उनकी समस्याएं सुनेंगे और फिर वो यहां से सिकरी कलां गांव होते हुए पटनी गांव में किसान पंचायत करेंगे, जहां वो किसानों की समस्याओं से रूबरू होंगे। चीन में मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी शुरू हो गई है। लोग जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं बर्फबारी ने रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दी है। कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया है। तस्वीर देखिए किस तरह से लोग जो हैं वो सड़क पर बर्फबारी के मजे ले रहे हैं और लोग पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं वहां पर। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला आज से शुरू हो रहा है। पर्यटन मंत्री अनीता देवी मेले का उद्घाटन करेंगी। एक महीने तक चलने वाले इस मेले का समापन 24 दिसंबर को होगा। समापन समारोह में राज्यपाल रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। इस मेले का इतिहास काफी पुराना है, हालांकि समय के साथ मेले के स्वरूप में बदलाव आया है। इस बार यह बहुत हाईटेक होगा। सारी प्रदर्शनियों में लाइव डेमो दिया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर मेले की तैयारियां पूरे शबाब पर है। तैयारियों को लेकर पर्यटन, वन सामान्य प्रशासन समेत तमाम विभाग रेस रहे हैं। वहीं कश्मीर, यूपी, हरियाणा, पंजाब, एमपी और गुजरात के जो कपड़ा व्यवसायी हैं वो भी पहुंच चुके हैं। मेले के दौरान 11 थिएटर्स और एक चित्रहार देखने की अनुमति दे दी गई है। मेला परिसर पर सीसीटीवी कैमरे की नजर भी रहेगी। घाटों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। जगह जगह पुलिस बल और दंडाधिकारी की प्रतिदिन नियुक्ति की गई है। चलाने के लिए पर्यटन विभाग से कॉटेज लगाया गया है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉटेज है और उस जगह सारी सुविधाओं के लिए मुहैया कराया जाएगा। पशुओं के लिए जो है ये चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।